अरे हिमांशु, तू कैसे भाई अचानक से? अरे खुशखबरी लेके आया हूँ भाई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अब यहीं पे पूछेगा या बैठने के लिए भी बोलेगा? अरे भाई बैठ, स्कूल टाइम से हम मिले यार, क्या करने लगे तू? अब बता भाई, क्या खुशखबरी है? पहले तो मुंह मीठा कर भाई। मुंह तो मीठा कर लो, बता दो पहले। अरे लगा, अब बता किस खुशी में भाई? भाई बेटी हुई है तो चाचा बन गया यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन भैया। अरे नहीं नहीं बस वही पी लेना भाई। अरे नहीं भाई। अरे भाई बाहर इतनी गर्मी है और तू पानी के लिए मना कर रहे है, पी ले। अरे भाई तू क्यों मेरा मुंह खुलवा रहा है? मैं इनके हाथ से पानी नहीं पी सकता। क्यों भाई? जो औरत शादी के इतने साल बाद भी एक औलाद का सुख ना दे पाई वो तो मनुष्य हुई ना, और मैं नहीं चाहता कि इनके हाथ से पानी पी के मेरे घर में भी ऐसा कुछ हो जाए। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहे है? मनुष्य वो लोग होते हैं जो दूसरों को देख के चलते हैं, और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो ये मेरे लिए मनुष्य कैसे हो सकती है? भाई मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, जो बाहर वाले बोलते हैं वही बात मैंने बोली है। भाई हर किसी से मुझे मतलब नहीं है, हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, तो मुझे दुनिया वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तो तूने ये बात बोल दी है, आज की बात बोल देना। ठीक है भाई। और सुन ले, ये ले जा ब्रो। यार तुम्हें मैंने कितनी बार समझा रखा है, मत रोया करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें औरों से क्यों फर्क पड़ता है? आप क्यों सुनते हो मेरे बारे में? आप मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको कोई कुछ बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है। डिवोर्स, 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 तुम्हें कितनी बार बोल रखा है, ये डिवोर्स वाली बात मत बोला करो। क्या पता भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिख रखा है वही होएगा। ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पर जो लोग ताने देते हैं उनका क्या? यार तुम मेरे से प्यार करती हो ना, मेरे लिए यही बहुत है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के क्या बोलते हैं। हाँ जी सॉरी, पर मैं चाहकर भी कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाती। पक्का आज के बाद नहीं रहूंगी। यार जिसको बोलना है बोलने दो, तुम किस किस के मुंह बंद कराओगी? और यार लाइफ हमारी है किसी और की नहीं, और आज के बाद इस बात पे रोए ना तो देख लेना। अच्छा दुकान खुली हुई है? ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, तू कैसे आया अब? भाई मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, कल मैंने जो कुछ भी बोला मुझे बहुत फील हुआ यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं कहीं काम जा रहा हूँ, तेरे से वहाँ मिलता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अरे भाई मैंने गोल्ड की चैन बनवाई थी, वही लेने जा रहा हूँ, सोचा गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए यही ठीक है। अरे तू आज की डेट में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? अब रखने की भी दिक्कत होगी, और ऊपर से गोल्ड घर पे रखना सेफ थोड़ी है। डिजिटल गोल्ड ये क्या भाई? अरे देख मैं करता हूँ इन्वेस्ट डिजिटल गोल्ड पर, अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप से। भाई डिजिटल गोल्ड महंगा होगा ना? अरे नहीं भाई, पता है इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते, जो हमें ट्रेडिशनल गोल्ड के वक्त 5-8% देने पड़ते हैं, यहाँ सिर्फ 3% GST देना होता है बस, और ये सेफ एंड 100% सिक्योर्ड होते हैं, और डिजिटल गोल्ड वो भी 24 कैरेट विद 99.9% प्योर गोल्ड लाइव मार्केट प्राइस पर मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट करने में तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, और ये ऐप यूज करना ईजी तो है ना? भाई तू अपस्टॉक्स गोल्ड पर मिनिमम 1 रुपए से इन्वेस्ट कर सकता है, तो तू अपनी सेविंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर, और इसलिए ये सबसे बेस्ट ऐप है, ये 24/7 कन्वीनियंट है, कहीं से भी बाय कर सेल कर, और ये स्ट्रेस फ्री है, और इस ऐप का इंटरफेस बहुत इजी सिंपल एंड फास्ट है। अरे वाह भाई,
हाँ बहुत ही जल्द अपस्टॉक्स गोल्ड की होम डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। तू भी अपस्टॉक्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर और अपना अकाउंट ओपन कर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे लिए तो वर्थ इट रहा है ये ऐप, तेरे लिए भी होगा। ओ अच्छा भाई, पर यार तूने मेरे को पहले बताना चाहिए था ना, मुझे पता ही नहीं था। कोई नहीं, अब पता चल जाएगा ना। अब कर लियो, अपना अकाउंट ओपन कर अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल करूंगा भाई मैं तो। जल्दी कर ले, चल मैं चलता हूँ यार। ठीक है, सॉरी। चाय पियो। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने आपको मेरी लाइफ में भेजा। ऐसे तो मैंने भी कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि तुम मेरी लाइफ में आई। क्या हो गया यार, तुम सैड क्यों हो? भगवान ने हमें सारी खुशियां दी, पर उसके बदले भगवान ने हमसे सबसे बड़ी खुशी दूर कर दी। यार मैं जानता हूँ, औलाद की खुशी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी होती है, पर कोई बात नहीं, भगवान ने जो किया किया, मैं तो इसमें भी खुश हूँ। हाँ जी, पर आप कभी किसी की बातों में आके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अगर ये बात भगवान भी आके ऊपर से बोलेगा ना तो भी नहीं। तुम टेंशन मत लो, चाय पियो। सुन रही है क्या सिमरन? इधर आओ। अरे तुमने खाना भी तुम कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही थी। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत गर्मी है। गंदा बच्चा। अच्छा, इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती? अरे वो बात नहीं है ना, जब जिंदगी साथ जीनी हो ना तो काम भी साथ करने पड़ते हैं। चलो ठीक है, चलो। और हाँ, बाहर का कुछ नहीं खाना। मैं ना टैडी लेके आऊंगी। रखा तो है घर पे। एक और लेके आऊंगी। ठीक है, आपके पास बड़े वाला टेडी बेयर? हाँ बड़े वाला। पर मनीष तू यहाँ कैसे? बस भाई दोस्त से मिलने आया था। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चल मिलते हैं बाद में। भाई एक मिनट साइड में आएगा, कुछ बात करनी है तेरे से। अरे प्रिंस यार क्यों अपनी लाइफ खराब करना है? कम से कम फ्यूचर के बारे में तो सोच यार, तेरा कुछ होना जाना है नहीं, छोड़ देना इसने। चलते हैं। रुको, क्या बोल रहा था वो? अरे वो जॉब के लिए बोल रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो वही बोल रहा था जो और लोग बोलते हैं। तो तुम्हें कोई फर्क पड़ा उसकी बात से? नहीं। बस फिर चिल आयो।
सोच रहे हो? मैं डिवोर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो आपने आज सोच ही लिया डिवोर्स के बारे में? मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, आप ही नहीं मान रहे थे। वैसे मैंने कल एक लड़की देखी थी और मुझे पसंद आ गई, सोच रहा हूँ उससे बात कर लूँ। और वैसे तुम डेली डिवोर्स डिवोर्स बोलती हो ना, तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छी बात है, भगवान करे आप उसके साथ खुश रहो और मेरे बारे में मत सोचना। हाँ तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में, मेरा क्या मतलब बनता है? अरे पागल, तुम मेरा मजाक भी नहीं समझती। मजाक कर रहा था मैं, तो उसकी बात कर रहा था। वो कल मेरे को बोल रहा था कि अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूं, तब जाके मैंने उसको समझाया, तब माना वो। कौन है? अरे पारुल, आ गई तू? हाँ, स्पेशल तेरे लिए आई हूँ, जल्दी जल्दी चला। कहाँ जा रहे हो? अरे तू ये बता, काम हो जाएगा ना? कोई मेरी बात का जवाब देगा कि क्या हो रहा है, कहाँ जाने की बात चल रही है? वो हमारे वहाँ है ना एक बाबा है जो दवाई देता है, तो तुम्हारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। अब आप कुछ मत बोलना, वहाँ से दवाई लेने से ना सबको असर हुआ है ना पारुल? जब बोल दिया ना कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना। पर क्यों, क्या पता हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाए। ये सब ढोंग होते हैं, ये बाबा वहाँ कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले ने लिख दिया लिख दिया। वो तो मैं जानती हूँ, पर जो लोग ताने देते हैं उनका क्या? तेरे लिए वो जरूरी है? मैं आपसे जरूरी तो कोई नहीं है। बस फिर नहीं जाना। चल ठीक है पारुल, मैं नहीं जाती। कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? ये बोल दिया ना कुछ नहीं हो रहा। सॉरी। ठीक है। क्या हो गया, ठीक तो ना? कुछ बताएगी? क्या हो गया? मेरा मन बहुत अजीब अजीब हो रहा है। एकदम से कैसे? पता नहीं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुनी। सच में? लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेहनत भी किया यार, तो प्लीज़ यार लाइक किया करो। लाइक करे बिना नहीं जाना है, और कमेंट करके बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। और अब आप लोग भी बहुत ही आसानी से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसे डाउनलोड कर लो। और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है, आप लोग स्टार्ट करके देखो और शुरू करो। और गाइस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय गाइस।